हेलो थर्ड ईयर्स, टुडे विल सी दी सैम्पलिंग। वी वर इन दी सैम्पलिंग यूनिट और पहले मैंने आप लोगों को सैम्पलिंग के बारे में बता दिया है। प्रीवियस 3 डेज मैंने आपको सैम्पलिंग दी थी, उसमें हमने सैम्पलिंग क्या होता है, उसके स्टेजेस। एक बार मैं आगे बढ़ने से पहले आपका थोड़ा सा प्रीवियस व्यू देख ले रही हूँ। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सैम्पलिंग प्रोसेस, सैम्पलिंग क्या है, पॉपुलेशन क्या है एंड टारगेट पॉपुलेशन, एसेसिबल पॉपुलेशन, एवरीथिंग वी डिस्कस्ड अर्लियर। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक होए आप और आप लोग को ये सब क्लियर हो, तो जाके आपको जो मैं आगे समझाने वाली हूँ ये सब चीज़ क्लियर होने होगा। तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में, अगर आप स्किप हो गए तो पहले मेरी प्रीवियस स्लाइड पढ़ें, उसके बाद आपको ये आगे का समझ में आएगा। इसलिए पहले थोड़ा सा आप रिवाइज कर लें और फिर आज के लेक्चर का आप स्टडी करें। सो टुडे विल सी दी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग क्या है वो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ। सैम्पलिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच वी सिलेक्ट दी रिप्रेजेंटेटिव यूनिट्स। मैंने लास्ट टाइम एग्जाम्पल दिया था आपको। फॉर एग्जाम्पल, यू वॉन्ट टू डू स्टडी इन इंदौर नर्सिंग कॉलेज, तो यू कैंट टेक कम्प्लीट इंदौर नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट्स, राइट? तो फॉर दैट यू नीड टू सिलेक्ट सम स्टूडेंट्स ऑफ इंदौर नर्सिंग। यू आर डूइंग द रिसर्च इन द इंदौर नर्सिंग कॉलेज, तो आप, देर आर सो मेनी ह्यूज अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स आर देयर, मोर देन 500 स्टूडेंट्स होंगे, तो यू कैन डू स्टडी ऑन 500 स्टूडेंट्स एट ए टाइम। आप इतने इन ए लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन यू कैन डू स्टडी इन दी 500 स्टूडेंट्स, तो यू विल सिलेक्ट सम स्टूडेंट्स फ्रॉम इंदौर नर्सिंग कॉलेज फॉर योर स्टडी। सो दिस इज कॉल्ड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सैम्पलिंग। आप 500 पॉपुलेशन में से यू विल सिलेक्ट वट एवर यू वॉन्ट, आई 50-60 जितना भी आपको ज़रूरत है सैम्पल, उतना ही सैम्पल आपको लेना। दिस प्रोसेस वी कॉल द सैम्पलिंग, अंडरस्टैंड? सो दिस इज द सैम्पलिंग। सो देर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ सिलेक्टिंग द सैम्पल। सी फर्स्ट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक एंड नेक्स्ट इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नाम से ही प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी पॉपुलेशन, अंडरस्टैंड? एंड नॉन प्रोबेबिलिटी, दोनों में हमेशा डिफरेंस पूछते हैं, तो आप डिफरेंस भी रेडी रखना, मतलब एग्ज़ाम में आता है दोनों में डिफरेंसिएशंस। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है, तो फर्स्ट विल सी दी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इज ए कम्प्लीटली बेस्ड ऑन थियोरी और थियोरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब संभावनाएं, अंडरस्टैंड? इट इन्वॉल्व द रैंडम। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक के। सबसे पहले आप ये समझो कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक्स में जितने भी ये आते हैं, फर्स्ट इट रिटन ओवर हियर, फर्स्ट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग एंड क्लस्टर मल्टी स्टेज सैम्पलिंग एंड लास्ट इज सिक्वेंशियल। इसमें लास्ट दिख नहीं रहा है बट लास्ट इज सिक्वेंशियल, ओके? तो दीज आर दी टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सो फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। सी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक इज वेरी ट्रू और वेरी प्योर, वी कैन से मेथड इन विच वी गिव इक्वल चांस टू होल पॉपुलेशन। See, it is written over here. It involves random selection of elements or members. अब मैं यहाँ पर elements बोल रही हूँ, members बोल रही हूँ, इसका मतलब यही है कि sampling units के बारे में बात कर रही हूँ, understand? तो elements, members ऐसा सब बोल रही हूँ तो सब same है, आप लोग उसको अलग ना लो, ठीक है? Units, pop sample, these all are same word. See, in whole population, the researcher will select the units or sample for giving equal chance to everyone. See, अब now I'm telling the example. Before going for example, read this sentence. In this, every subject in a population have equal chance to be selected for study.
इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक द चांस ऑफ सिस्टमेटिक बायस इज रिलेटिवली लेस बिकॉज सब्जेक्ट्स आर रैंडमली सिलेक्टेड. अब सी व्हाट दिस सेंटेंस इज टेलिंग. फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू स्टडी ऑन इंदौर नर्सिंग कॉलेज. अंडरस्टैंड मैं जो एग्जांपल दे रही हूँ वो आप ध्यान से सुनिए. वी आर गोइंग टू डू स्टडी ऑन इंदौर नर्सिंग कॉलेज. अब यू टुक 60 पॉपुलेशन 60 स्टूडेंट फ्रॉम इंदौर नर्सिंग कॉलेज. नाउ दिस 60 ये 60 को आप मैंने जो किया था इंदौर नर्सिंग कॉलेज में जो स्टडी मैं कर रही हूँ जिसमें मैंने क्या किया था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में वो आपको मैं बता रही हूँ. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जो मैंने किया था सारे स्टूडेंट्स को मैंने ऑडिटोरियम में बिठाया था. सारे स्टूडेंट्स मतलब दिस 60 स्टूडेंट्स सारे बैठ गए यहाँ पर. नाउ व्हाट आई डिड आई गिव एन इक्वल चांस टू ऑल दिस 60 स्टूडेंट्स. अब बाकी टाइप्स ऑफ रिसर्च भी ऐसे होते हैं जिसमें इन पूरे 60 स्टूडेंट्स को चांस नहीं दिया जाता है. रिसर्चर अपने हिसाब से सैम्पल सिलेक्ट करता है कि मुझे ये चाहिए मेरा ये फेवरेट है तो आई टुक दिस वन. तो लेकिन नहीं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में यही मेजर डिफरेंस है. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक में द रिसर्चर विल गिव इक्वल चांस टू एवरी 60 पॉपुलेशन. अंडरस्टैंड. तो इफ़ वी आर गोइंग टू डू द रिसर्च ऑन इंदौर नर्सिंग कॉलेज. अब इंदौर नर्सिंग कॉलेज में 200 स्टूडेंट्स आए हैं जिस दिन आपको सैम्पल सिलेक्ट करना है. ठीक है, तो नाउ यू विल गिव 200 स्टूडेंट्स. जैसे मैंने अपने स्टडी में 25, 50 सैम्पल लिए थे तो मैंने पूरे सेकंड ईयर जीएनएम और थर्ड ईयर जीएनएम को पूरे स्टूडेंट्स को क्लास में बिठाया. सारे स्टूडेंट्स में से मैंने सबको वहाँ बिठा के सबके नाम की चिट बनाई थी. सारे स्टूडेंट्स मान लो उस दिन प्रेजेंट थे, हर क्लास में 50-50 स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे. मैंने पूरे 100 स्टूडेंट्स को ऑडी में बिठाया. सारे स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स जीएनएम सेकंड ईयर को इस साइड बिठाया, थर्ड ईयर को इस साइड बिठाया. सारे 100 स्टूडेंट्स के नाम की चिट बनाकर यहाँ पे बॉल में रखा. एक एक स्टूडेंट की चिट उठाते गई और मुझे 25 चाहिए थे एक ग्रुप से और 25 चाहिए थे दूसरे ग्रुप से. तो मैंने टोटल 50 चिट्स इसमें से उठाया. सी आई एम गिविंग इक्वल चांस टू ऑल द जीएनएम सेकेंड एंड ऑल द जीएनएम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. और मैं मुझे आई वॉन्ट टू हैव 50 सैम्पल. तो मैंने ऑल दिस 100 पीपल में से ओनली आई टुक द 50. तो दिस इज़ कॉल्ड दी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन विच आई गिव एन इक्वल चांस टू एवरी वन. दिस इज़ कॉल्ड दी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. अंडरस्टैंड. यहाँ पे हमने पढ़ा था दिस सेंटेंस दिस लाइन कि इट गिव्स द इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड फॉर द सैम्पलिंग स्टडी. मैंने पूरे जीएनएम सेकंड ईयर और पूरे जीएनएम थर्ड ईयर के साथ पार्शियलिटी नहीं करते हुए आई गिव एन इक्वल चांस टू एवरी स्टूडेंट. अंडरस्टैंड. इसमें क्या होता है, इसमें बायसेस भी नहीं आते हैं. इसमें बायसेस आपको बायस के मतलब एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं. क्यों, अगर मैं सबको इक्वल चांस नहीं दूंगी तो स्टूडेंट्स विल कंप्लेन मी कि मैडम हमको चांस नहीं मिला, मैम हमको चांस नहीं मिला, तो मेरी स्टडी पूरी नहीं हो पाएगी. देयर विल बी वेरियस एरर्स विल कम. तो ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाता है. इसलिए इट इज़ अ गुड वे टू रिड्यूस द बायसेस और एरर. अंडरस्टैंड. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. नाउ दिस देर आर सम फीचर्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. वही फीचर्स है जो मैंने आपको बताया था. सी इट गिव्स इक्वल चांस फॉर बींग सिलेक्टेड इन दी सैम्पलिंग. सी पूरे पॉपुलेशन को, जैसे आई टोल्ड यू कि वी आर गोइंग टू स्टडी इन इंदौर नर्सिंग कॉलेज, तो विल गिव इक्वल चांस टू ऑल दी इंदौर नर्सिंग कॉलेज स्टूडेंट बिकॉज दिस इज अ पॉपुलेशन. इफ़ वी आर गोइंग टू डू दी रिसर्च ऑन रंगवासा, तो वी विल गिव दी एवरी पॉपुलेशन, एवरी मेम्बर ऑफ रंगवासा. मीन्स अगर वहाँ का पॉपुलेशन मान लो 1000 है, तो विल गिव दी चांस टू एवरी 1000 पीपल, एवरी 1000 पॉपुलेशन. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड दी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक. अब दिस इज प्रोबेबिलिटी, ये डिवीजन का प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक है. मींस सैम्पलिंग को दो भागों में बांटा था, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी. तो प्रोबेबिलिटी में ये सारे फीचर्स आते हैं. ठीक है,
Next is, in this technique, this researcher must guarantee that every individual has same sentence, equal chance to everyone. The advantage of using random sampling is the absence of both systematic and sampling biases. Biases ko kam karne ke liye, we take this probability sampling technique. And next is, the effect of this minimal above systematic biases, which is all are about the less biases. Now we'll see one by one the types of probability sampling technique. अभी हमने sampling technique के types पढ़े थे, जिसमें first was probability sampling and second was non-probability sampling. अब under this probability sampling there are five types. First is simple random sampling. Understand with the words. मैं हमेशा आपको एक trick दूंगी पढ़ने का in research. हमेशा मैं नेम से सजेस्टेड आपको उसका मीनिंग बताऊंगी, अंडरस्टैंड, और तभी आप उसको याद रख पाओगे. नहीं तो आप बाद में सिंपल रैंडम में क्या था, स्ट्रेटिफाइड में क्या था, आप सब कंफ्यूज करके लिखोगे. इसलिए आई सजेस्ट यू पीपल कि आप उसका जैसे नाम है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, इट इज़ टेलिंग सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, तो वॉट विल हैपन इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एज नेम इज सजेस्टेड, ऐसा बताऊंगी, अंडरस्टैंड. एंड फॉर द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में उसी के नाम से ही सजेस्टेड आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी ताकि आपको याद रहे. सी नेक्स्ट इज स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, एंड नेक्स्ट इज क्लस्टर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, एंड लास्ट इज सिक्वेंशियल सैम्पलिंग. See, we'll see everyone one by one. So first is simple random sampling. This sentence, this name itself telling simple random sampling means random का मतलब क्या समझते हैं? Simple का मतलब तो you understand better. Random का मतलब आप लोग random वाला game खेलते होंगे, जैसे for example आप मिठाई की shop में गए. There are varieties of sweets are there. बहुत सारी मिठाइयाँ रखी हैं. You took काजू कतली, you took बंगाली स्वीट्स. From all of 15 or 25 स्वीट्स, you took only two स्वीट्स. What is this called? This is called the simple random sampling. Simply you selected any one of them. Understand? और चलो ये तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से यू विल सिलेक्ट. नाउ विल सी दी एग्जाम्पल ऑफ सी फॉर योर डूइंग रिसर्च ऑन इंदौर नर्सिंग कॉलेज. आप इंदौर नर्सिंग कॉलेज में रिसर्च कर रहे हो एंड यू विल सेम एग्जाम्पल आई एम गिविंग एंड यू आर गिविंग इक्वल चांस टू एवरी 500 स्टूडेंट्स ऑफ इंदौर नर्सिंग कॉलेज. अंडरस्टैंड? एंड दिस इन दिस 500 स्टूडेंट्स यू विल सिलेक्ट सम स्टूडेंट्स फॉर योर स्टडी. पूरे 500 को तो नहीं ले सकते हो ना, तो दे आर सम स्टेप्स दैट यू नीड टू फॉलो. सी अब अंडरस्टैंड दिस लेटर और दिस सेंटेंस. इन दिस टाइप ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन एवरी मेम्बर ऑफ पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस. ये मैंने आप लोग को बताया, एवरी पॉपुलेशन, हर पॉपुलेशन के एवरी मेम्बर विल गेट इक्वल चांस. ठीक है? द एंटायर प्रोसेस ऑफ सैम्पलिंग इज डन इन ए सिंगल स्टेप. This entire population will done in a single step with each subject selected independently the other member of population. सब लोग अपना independently select होने के लिए eligible हैं. There is need to essential prerequisites to implement the simple random sampling. जैसे मैंने बताया था, prerequisites का मतलब ये होता है कि उसकी कुछ तैयारियाँ होती है जो आपको पहले से ही करके रखना है. Population must be homogeneous and researcher must have list. See, population हमेशा homogeneous होना ज़रूरी है. इसमें homogeneous means सब लोग एक ही category के ज़रूरी है. ठीक है? पॉपुलेशन मस्ट बी होमोजीनियस एंड रिसर्चर मस्ट हैव द लिस्ट. रिसर्चर को के पास लिस्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि वो बिना लिस्ट के कैसे सिंपल रैंडम सा. आप जैसे इफ़ यू आर डूइंग रिसर्च ऑन 500 स्टूडेंट्स, यू मस्ट हैव द लिस्ट ऑफ दिस 500 स्टूडेंट्स. नहीं तो कोई छूट गया और ही विल क्लेम और शी विल क्लेम टू यू कि हम 499 हो गया, तो इट ये बायस्ड हो जाएगा. अंडरस्टैंड? तो यू शुड हैव द कम्प्लीट लिस्ट, नेम लिस्ट ऑफ दैट 500 स्टूडेंट्स. अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड the simple random sampling. Now what you will do, the first step of this simple random sampling, the first step
of the simple random sampling technique is to identify the accessible population. मैंने आप लोगों को हमेशा सिखाया है in the steps of sampling technique. क्या करना है आपको, सबसे first of all you will see the, याद करो मैंने आपको बताया था steps. पहले आपको population देखना है, कौन सा population को आप target करोगे, understand? तो मान लो इंदौर नर्सिंग कॉलेज इज योर पॉपुलेशन. ऑन इंदौर नर्सिंग कॉलेज यू वुड लाइक टू डू द रिसर्च ऑन GNM students, understand? So in अब this is called the target population. You will focus, you will target the GNM students only. बाकी सबको आप हटा दोगे. Now your target population is all the GNM students. Now you will select. Now you will focus the accessible population. अब आप क्या करोगे, पूरे GNM students में मान लो हर class में 50 student हैं और तीन classes हैं, तो पाँच 150 students is your target population, understand? Because there are three classes in GNM and each class have 50, so there are 150 students and you need to have 40 sample. आपको 40 sample select करना है. तो आप क्या करोगे, you have 150 target population. अब आप ये करोगे, उस 150 populations को 150 target population में से you will apply this method, lottery method, table random method or computer method. Understand? अब this 150 will come into auditorium और either आप जहाँ भी लेना चाहो, this 150 will be sitting over auditorium and you will prepare either you took lottery method, you take the table of random members or use of computer. See, one by one we'll see. First is lottery method. अब lottery method में क्या करते हैं? See, it is most primitive and mechanical method. नाम से पता चल रहा है लॉटरी मेथड. व्हाट विल डू, विल प्रिपेयर चिट ऑफ एवरी स्टूडेंट ऑफ 150 मेंबर और सबको विल शो वन बाय वन कि इफ वी वांट टू हैव 50, सी देयर इज 150 चिट्स बिकॉज दिस इज लॉटरी मेथड ना, देयर आर 150 चिट्स विल प्रिपेयर क्योंकि 150 आर योर टारगेट पॉपुलेशन. इन दिस 150 अगर कोई स्टूडेंट्स नहीं आए हैं तो विल स्किप दैट. आज जिस दिन अगर वो नहीं आया तो विल स्किप दैट. ऑन दिस 150 वी नीड टू हैव 40 सैम्पल्स. हमारा टारगेट क्या है, 40 सैम्पल्स विल सिलेक्ट ऑन 150. नाउ व्हाट विल डू, वी आर गिविंग इक्वल चांस टू ऑल दी 150 मेंबर्स बाय प्रिपेयरिंग द चिट्स. चिट्स प्रिपेयर करके हम इन 150 स्टूडेंट्स को चांस दे रहे हैं सिलेक्ट होने का. अब क्या करेंगे, इनको एक बॉक्स में रख के विल टेक 40 चिट्स बिकॉज वी नीड टू हैव 40 सैम्पल. 40 सैम्पल हमको चाहिए, तो इसमें से 150 में से हमें 40 लेने हैं, तो 40 चिट्स हम बाहर निकालेंगे. तो दिस इज कॉल्ड दी लॉटरी मेथड. दिस इज, देयर इज नो एनी बायसेस, नो एनी एरर, नथिंग इज देयर. तो वी गिव एन इक्वल चांस टू एवरीवन एंड वी सिलेक्टेड दी लॉटरी मेथड आल्सो. सो दिस इज कॉल्ड दी लॉटरी मेथड, अंडरस्टैंड? सी, इट इज रिटन ओवर हियर, ईच मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज असाइन ए यूनिक नंबर, अंडरस्टैंड? आइदर यू गिव ए यूनिक नंबर या फिर आप चिट प्रिपेयर कर लो. ईच नंबर इज प्लेस इन ए बॉल और अ हैड और मिक्स थॉरोली, सबको मिला लो आपस में, अरे जैसे आप लोग गेम खेलते हैं वैसे, दैट्स ऑल. द ब्लाइंड फोल्डेड रिसर्च देन पिक नंबर ऑफ टैग्स फ्रॉम हैड. अब उसके बाद आप जितने भी बॉल में आपने रखा है उसको एक एक करके उठा लो. देन ऑल द इंडिविजुअल बियरिंग द नंबर पिक्ड बाई द रिसर्चर और द सब्जेक्ट्स फॉर द स्टडी. अब रिसर्चर उसको बॉल में से एक एक करके पिक करेगा जितना उसको चाहिए. तो वी नीड टू हैव 40, तो हम 40 को पिक करेंगे. दिस इज ऑल अबाउट द लॉटरी मेथड, अंडरस्टैंड? इट इज़ वेरी ईजी और वेरी सिंपल मेथड बिकॉज इट इज, दिस ऑल वॉट आई एम टीचिंग यू इज टाइप्स ऑफ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी सिंपल. अभी कुछ भी टफ नहीं बोला है मैंने. दिस ऑल आर दी, ऑल आर कम्स अंडर द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सो नेक्स्ट इज यूज ऑफ टेबल. सी, यूज ऑफ टेबल में मीन्स दिस इज अ मोस्ट कॉमनली एंड एक्यूरेटली यूज मेथड इन सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. रैंडम टेबल प्रेजेंट सेवरल नंबर इन ए रोज एंड कॉलम. रिसर्चर इनिशियल प्रिपेयर नंबर लिस्ट नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, देन ए ब्लाइंड फोल्ड चूज ए नंबर फ्रॉम द रैंडम टेबल. द सेम प्रोसीजर, सी आई विल शो यू एग्जाम्पल. I forget to show you example. See, this is simple random sampling.
इन विच आई टोल्ड यू कि दीज आर दी सी दीज आर दी होल पॉपुलेशन. इन दिस पॉपुलेशन 1 to 99 900 देयर आर 100 पॉपुलेशन इज देयर. दिस इज पॉपुलेशन. इन दिस 100 पॉपुलेशन एनी ऑफ द नंबर 15 वाला नंबर, 30 वाला नंबर, 46 वाला नंबर, 51 कोई सा भी नंबर उठा, वी आर गिविंग इक्वल चांस टू एवरी वन. बट रैंडमली हम कोई सा भी उठा लेंगे, दिस इज कॉल्ड द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट सी, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एग्जाम्पल. इन दिस ऑल्सो वी इट इज रिटन ओवर फर्स्ट से लेके 48 तक के सैम्पल्स आपके पास है. और यू कैन से सी दिस इज ऑल्सो पॉपुलेशन. इन दिस पॉपुलेशन वी फोकस द टारगेट पॉपुलेशन. ऑन दिस टारगेट पॉपुलेशन वी गिव एन इक्वल चांस टू एवरी वन. और उसमें से फिर रैंडमली कोई सा भी सिलेक्ट कर लो. दिस इज कॉल्ड द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग. सी दिस इज ए टेबल फॉर्म. मैंने आपको भी बताया था टेबल फॉर्मेट में जो सैम्पलिंग होते हैं. सी दिस ये टेबल फॉर्मेट में जो सैम्पलिंग बताया था मैंने, वो यहाँ देखो उसका एग्जांपल. टेबल फॉर्मेट में कैसे हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग करते. दिस इज ऑन टेबल फॉर्म. अंडरस्टैंड? सी दिस इज अ टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स. ये एक रोज बन गया. दिस इज कॉलम्स एंड दिस इज द रोज. अंडरस्टैंड? सो इन दिस सारे पीपल्स देखो, सबको कोड दे दिया गया है. देखो अच्छे से देखो, सबको यूनिक कोड 53 54 50 सबको कोड दे के रखा है यहाँ पर. और सबका फिर सबको टेबल्स में यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है. अब उसमें से कोई सा भी 30 देखो 70 60 कोई सा भी नंबर उठा के उनको सैम्पल ले लिया गया. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का टेबल. रैंडम नंबर्स टेबल फॉर्मेट में रैंडम टेबल्स बना के हमने उसका सैम्पल सिलेक्ट किया. सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूज ऑफ टेबल्स. ठीक है, नेक्स्ट इज यूज ऑफ कंप्यूटर. नाउ सी द हाउ यूज ऑफ कंप्यूटर. कैसे कंप्यूटर यूज़ करके हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एप्लीकेबल कर सकते हैं. नाउ डेज रैंडम टेबल्स में भी जनरेटेड फ्रॉम द कंप्यूटर एंड सब्जेक्ट्स में भी सिलेक्टेड एंड डिस्क्राइब इन द यूज़ ऑफ टेबल. सेम है जैसा हमने टेबल्स बनाया था, उसी को हम कंप्यूटर में करेंगे. उसको हमने कॉपी में किया था, अब इसको हम कंप्यूटर में करेंगे. फॉर पॉपुलेशन विथ ए स्मॉल नंबर ऑफ मेम्बर इट इज़ एडवाइजेबल use the first method, but if a population has many members, अगर बहुत सारे members हैं तब हम ये computer added method use करेंगे. और अगर कम members हैं तो हम वो जो ऊपर पढ़े थे वो वाला कर सकते हैं. और अगर members ज़्यादा है और हमको यही method use करना है तो we'll prefer the computer, because computer से हम बहुत फटाफट कर सकते हैं, इसलिए we'll use the computer method. सी दिस एग्जाम्पल्स आर सेम. आप उसको कॉपी में कर रहे हो और नोटबुक में कर रहे हो तो इट इज़ कॉल्ड दी टेबल रैंडम सैम्पलिंग. और अगर आप यू आर डूइंग दिस सेम इन दी कंप्यूटर तो प्रोसेस विल बी दी सेम. सेम जो मैंने बताया था प्रोसेस विल बी दी सेम, बट यू विल डू बाई यू विल इसके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होंगे एंड यू विल डू इन दी कंप्यूटर. सो दिस इज कॉल्ड दी कंप्यूटर असिस्टेंट मैथड. और यू कैन से दी यूज ऑफ कंप्यूटर. अंडरस्टैंड? नाउ देयर आर मेरिट्स एंड डिमेरिट्स. बहुत सारे इसके फ़ायदे भी हैं और उसके नुकसान भी हैं. आई विल शो यू दिस इन नेक्स्ट स्लाइड.